गाइस, वेलकम बैक न्यू ब्लॉग। हम लोग घर पे बैठे बैठे हो रहे थे बोर, तो सोचा कि चलो चलते हैं घूमने के लिए। हम लोग जा रहे हैं अभी बाहर खेत की तरफ आए हुए हैं फील्ड में घूमने के लिए, कि देखते हैं कैसा मौसम है। मौसम भी छाव छाव हो रहा है, धूप नहीं है उतना, और आप देख सकते हो खेत में जो धान का बीज होता है वो निकल चुका है। आफ्टर 15 दिन के बाद ये स्टार्ट हो जाएगा, इधर क्या कहते हैं रोपाई, धान रोपाई स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइज मेरे साथ है शंकर भैया आ रहे हैं, और ये आप जो देख रहे हो ये मत सोचना कि बोलिए तालाब है, ये खेत है जो इसको जोत के पट्टा जोत बोलते हैं उसको दे के मारा जो पोट पट्टा दे के इसको बांध के पूरा बढ़िया से पानी का जवावड़ा किया हुआ है। और ये देखिए पानी का रिसाव। गाइज आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा अभी गर्मी का फीलिंग हो रहा है, क्योंकि इधर चारों साइड हमारी चारों साइड पूरा पानी है, और धूप भी, धूप तो नहीं है बट उसके वॉश से ना, जो पानी का वॉश है वो उड़ रहा है, इसकी वजह से हमें गर्मी का फीलिंग आ रहा है। और पानी भी बहुत गर्म है खेत का, क्योंकि धूप काफ़ी ज़्यादा लग रहा था इधर अभी कुछ टाइम पहले। नाव हम लोग अभी जा रहे हैं, उधर घूम के आएंगे। सो नाव हम लोग गाइस जा रहे हैं। गाइस सो गाइस अब देख सकते हो धान का जो बीज है वो काफ़ी बड़ा हो चुका है इस खेत में, और एक 5 से 6 दिन के अंदर अंदर इधर रोपा स्टार्ट हो जाएगा। धान को रोपने से पहले एक गाँव में छोटा सा पूजा होता है, और वो पूजा सारे गाँव वाले मिल के करते हैं, देन सारी खेती स्टार्ट होती है ताकि धान अच्छा हो, इसके वजह से पूजा अच्छे तरीके से हो जाए। और जिस दिन पूजा होता है उस दिन बारिश बहुत तेज़ होती है, सो उसके बाद धान की खेती। अब देख सकते हो जा रहा, उसकी आवाज़ सुनाई दे रहा है। अब देख सकते हो मैं एक सबसे ऊंची जगह पे आ चुका हूँ, और ये दृश्य यहाँ से गिरूंगा तो मर ही जाऊँगा। ये सामने का जो आप देख रहे हो ये तालाब है, अगर इधर का पानी सूख जाता है तो यहाँ से मशीन लगा के खेतों में पानी भरा जाता है ताकि धान सूखे ना, धान की पानी जो होता है, धान में पानी जो होता है वो सूखे ना। सो गाइज मेरा भी खेत इधर ही है, लेकिन पता नहीं है मेरे को कौन सा खेत है। सो आप देख सकते हो हम लोग जा रहे हैं। क्या आपका नाम? पेप्सी। पेप्सी इसको ये रिश्ते में तो किसी का कुछ नहीं लगते। सो नाउ गाइस आप देख सकते हो मेरे पीछे धान रोपा गया इधर। कितने दिन हो गए होंगे अंकल इसको रोपने के बाद? कल, आज का है, आज का ये तो आप देख सकते हो कल परसों का होगा। ये इधर धान रोपा स्टार्ट हो चुका है, और इधर आप जैसे देख रहे हो पूरा तरीका से ये फिनिश आउट जिसको कहते हैं कंप्लीट हो चुका है ये खेत में। और इसी तरह आफ्टर 15 दिन के बाद ये हम लोग दूसरे इलाके में आ रखे हैं, इसकी वजह से क्योंकि हम लोग का गांव पीछे काफ़ी छूट गया। सो गाइज यहाँ पे काफ़ी बड़ा तालाब है एक, जो मैं आप सबको दिखा रहा हूँ। ये है वो तालाब, अब जैसे देख रहे हो ये तालाब है। नहीं नहीं हम ही सब कमजोर है, जैसे गाइस आप देख सकते हो तालाब ये काफी बड़ा है और गहरा। हम लोग मैदान में खेलने आते थे क्रिकेट वगैरह, तो स्कूल से काफी गोची मारते थे हम लोग, ठीक है, और खेलने के बहाने से हम लोग आके यहाँ पे नहा भी लेते थे इसी तालाब में। तो नाव गाइस ये देख सकते हो आप, ये जो मेरे पीछे पेड़ आप देख रहे हो ये बहुत घना रहता था, और यहाँ से हम लोग ऊपर चढ़ के उछलते थे नीचे तालाब में।
और बहुत ही मजा आता था। मछली इतना लंबा लंबा है मछली, कितना लंबा लंबा एक बार बता। उसमें रखे हैं मार के। एक बार बता हाथ से कितना लंबा लंबा। ये लंबा लंबा एक बार दिखा हाथ से। इतना लंबा लंबा जो मछली का जो कलर है बबलू पे गया है। बबलू लग रहा है तालाब में जाके क्या कर दिया पता नहीं, उसी के कलर के सब आ रहा है मछली। जाके नहा लिया तो सारा नहा लिया तो मेरी कल ही कड़ा है चलो। सब बबलू का बच्चा लोग है। ये बात हो रही थी इस ब्लैक व्हाइट जो बॉटम पे व्हाइट और ब्लैक टी शर्ट है उसकी बात हो रही थी इधर। ये बोल रहे थे कि बोलिए मछली का बाप है। सीधा सी इनका कहना है इन सारे कमीनों दोस्तों का ये मछली का बाप है ये हट रहे दूर हट। सुनाओ गाइस फाइनली हम लोग ऊपर आ चुके हैं तालाब से ऊपर। हम लोग बहुत अब देखते रहिए कंटिन्यू ब्लॉग को, इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाले हैं तो देखते रहिए कंटिन्यू। नाउ गाइस अभी हम लोग थोड़ा सा प्यास लग रहा था पानी सो पानी हम लोग को तो मिला नहीं। हम लोग सोचे कि बोल जल्दी आ जाएंगे वापस घर लेकिन हम लोग आ नहीं पाए और पानी भी प्यास लग रही है। सो नेक्स्ट टाइम से हम लोग पानी का बोतल जरूर लेके जाएंगे, कहीं भी जाएंगे पानी का बोतल जरूर लेके जाएंगे। तालाब ये देख सकते हो गाइस यहाँ पे छोटा सा भी तालाब है जो इस एरिया को पूरा कवर करता है। हाँ। इस एरिया को ताकि जब खेत में सूख जाए पानी तब इस तालाब से निकाल के मशीन से खेतों में पटाया जाता है डाला जाता है पानी को। सो नाउ गाइस अब देखते रहिए कंटिन्यू ब्लॉग और हम लोग जा रहे हैं तो कहाँ जा रहे हैं पता नहीं बट हम जा रहे हैं। और आप ये देख सकते हो मछली का बाप ये गाना गा मछली सुनसान सा इलाका पता नहीं कौन सा जगह है ये सुनसान बट है ये। चीटी ये छुई मुई इसको टच करते ही मुरझा जाता है। ये देखो हम लोग नदी के किनारे रहता था ये कैसे छुई मुई है ये। ये 56,000 का 56,000 वोल्ट का वायर है और ये ऐसे आवाज़ कर रहा है जैसे कोई सिटी मार रहा है इधर बैठ के वैसे आवाज़ कर रहा है इस तार में। सो नाउ गाइस आप देखते रहिए कंटिन्यू व्लॉग शर्वन हम लोग कहाँ जा रहे हैं कुछ आइडिया है बता सकता। कुछ आइडिया नहीं है कंटिन्यू देखते रहो। तो गाइस हम लोग को खुद पता नहीं है कहाँ जा रहे हैं। ये हमारे मछली का जो बाप है यही लेके जा रहे हैं यही डिसाइड कर रहे हैं कहाँ लेके जा रहे हैं पता नहीं है हम लोग को कहाँ लेके जा रहे हैं लेकिन आप देखते रहिए कंटिन्यू ब्लॉग पता चल जाएगा। डबल कलर का फूल आप कभी देखे नहीं होंगे इसको और ये देखिए डबल कलर का फूल वाव सो प्रीटी। सो नाउ गाइस अभी कंटिन्यू हम लोग चल ही रहे हैं अभी तक हम लोग को पता नहीं है कहाँ तक हम लोग कम से कम 2 किलोमीटर चल चुके हैं और पता नहीं है कहाँ लेके जा रहा है ये हमारे मिस्टर
बबलू जी कहाँ लेके जा रहे हैं पता नहीं है, और लेकिन लेके जा रहे हैं। सो फाइनली हम लोग करीब हैं, बता रहे हैं ये बोल जा रहे हैं। सो गाइस थोड़ा सा गर्मी ज़्यादा बढ़ रहा है चलते चलते, और हम लोग एक छोटा सा नीम का पेड़ है ऊपर, हम लोग यहीं पे रुके हुए हैं। सो अभी पता नहीं रेलवे का पॉल दिख रहा है भोसड़ी के, ये यहाँ सिल्वर जाने के बाद। भाई साहब इसको कहाँ से दिख गया, मैं उसको जूम करके देखूँ थोड़ा, कहीं नहीं दिख रहा यार रेलवे का पॉल। गाइस अभी अभी पता चला है कि हम लोग जा रहे हैं रेलवे के फाटक, रेलवे के पुल, रेलवे ट्रैक, जहाँ से हमारे गाँव के नज़दीक ही है। और अभी हम काफ़ी 3 किलोमीटर के आसपास चल चुके हैं। सो नाउ क्योंकि ये चल नहीं पा रहे हैं, और ये चलते चलते गर्मी भी का फीलिंग भी एहसास हो रहा है, बहुत गर्मी है। और रियली बहुत गर्मी है गाइस, क्योंकि अभी देख सकते हो आप धूप भी उग चुका है, ये देखिए शंकर भैया सा कुआं का दर्शन हो चुका है यहाँ पे। और ये देख सकते हो कुआं, वाह काफी डरावना है। और अगर कोई आदमी इसमें डूब जाए बचना मुश्किल है, मर जाएगा। और ये इतना मजा आ रहा है, कैसा फील हो रहा है, टाइट फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। एक नंबर चुके हैं अपने डिजिग्नेशन चैटिंग प्लेस पे, हम लोग रेलवे फाटक, और शायद मुझे लग रहा है कि यही है। आप देख सकते हो रेलवे ट्रैक है ये, जहाँ से रेल आती जाती है, आप दोनों साइड से देख सकते हो। और ये छोटा सा हॉल्ट है, छोटा सा हॉल्ट है जहाँ पे गाड़ी रुकने उकने का काम करवाता है। और ये फाटक है, छोटा सा ट्रैक ये देख सकते हो आप, यहीं से उठाते हैं ये। सो नाउ गाइस हम लोग पानी पीने जा रहे हैं। वो रास्ते अब देख सकते हो गाइस, ट्रेन ये हमारे पीछे आ चुका, और नाउ अब देख सकते हो ट्रेन को। गाइस इसमें चावल लगा हुआ है, चावल इसमें फुल है, वाओ क्या ठंडा आ रहा है हवा। ये ट्रेन चली गई देख सकते हो आप। मेरे साथ हैं इस फाटक के जिसको हम लोग बोलते हैं गेटमैन। सो नाउ अंकल आप बताइए, ट्रेन आता है तो आप क्या क्या करते हैं? ट्रेन आने के पहले जो है स्टेशन मास्टर बताता है, इसके बाद उसको गाड़ी को जो है झंडी दिखाना पड़ता है, फिर इसके बाद फिर गेट खोलना पड़ता है, यही काम ड्यूटी है। देन अगर यहाँ से कोई अगर ट्रेन एक बार में दो बार एक ट्रेन अगर एक पटरी पे दो ट्रेन आ जाए तो आप क्या करते हो उस टाइम? तो दोनों ट्रेन पार होने के बाद ही खोल सकते हैं, पहले नहीं खोल सकते इसका नहीं। जैसे कि आप देख एक ट्रेन अगर आ रही है उसी के जस्ट पीछे ट्रेन आ रही है तो आप उस टाइम में क्या करते हो? पहले उसको पहले नहीं, जब तक स्टेशन मास्टर से बात होता है वो बताता है कि गाड़ी अभी गेट नहीं खोला जाए। ओके जब तक उसके आदेश नहीं होगा स्टेशन मास्टर से तब तक आप गेट नहीं खोल सकते। ओके सो आप अगर गाड़ी ट्रेन गुजरती है तो कौन सा झंडी दिखाते हो? ये हरा वाला दिखाया जाता है। ओके लाल वाला भी रखा जाता है हाथ में। ओके तो ये इसको इसे किया जाता है, ये ग्रीन वाला है, ग्रीन जब वाला है। ग्रीन सिग्नल होता है। हाँ ग्रीन सिग्नल हो गया गाड़ी हो गया तो चला जाएगा, कोई गड़बड़ी है तो लाल दिखा सकते हो। ओके गार्ड को ड्राइवर को दोनों को जाएगा आप धीरे से जाइए। Okay, okay. इसे हो जाता है। सो नाउ गाइस आप देख सकते हो ये गेटमैन है, आप बता रहे हैं कि अगर ट्रेन यहाँ से अगर दो एक पटरी पे आ जाए तो हम रोक रोक के ट्रेन को इधर से गुजरते हैं, और गुजरने के बाद ही होगा। हाँ कुछ भी काम होगा पहले ट्रेन। सो अंकल थोड़ा इधर आइए, आप इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए। ये गेट कैसे काम करते हैं? ये केबिन है,
सो गाइस इसको उठाने बैठाने वाला गेट गेट कैसे काम करता है अंकल? ये गेट खोलने के लिए इसको ऐसे जो है ना इसको उठाया जाता है। ओके अच्छा, अब देख सकते हैं घुमाने हैं, घुमाने के बाद ये खुलता है और ये गेट ओपन, देखो आप ये देख सकते हो गेट ओपन हो रहा है, ये ओपन होता है, वो देख सकते हो गेट ओपन हो रहा है गाइस। ओके सो फाइनली गाइस देख सकते हो गेट ओपन हो चुका है, जैसे देख सकते हो गेट ओपन हो चुका है पूरा तरीका से, और जब ट्रेन आती है तो ये बंद करना पड़ता है। ओके तो आप अभी लॉक करके रखेंगे? क्यों, अभी तो कोई ट्रेन है ही नहीं। नहीं, लॉक करके रखना पड़ता है, रास्ता नहीं है ना, कोई गाड़ी वगैरह है नहीं। ओके वैसे सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। सो गाइस ये बता रहे हैं कि यहाँ पे अगर ट्रेन हो या ना हो हम इसको बंद करके रखते हैं, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुर्घटना क्षेत्र है ये। सो नाउ गाइस आप देख सकते हो अभी पुरुषोत्तम एक्सप्रेस आ रही है जो दिल्ली से आती है चल के, और जब भी हम लोग दिल्ली से आना पड़ता है तो इसी ट्रेन से हम आते हैं। सो आप देख सकते देखिए सामने ट्रेन आ रही है, ठीक है, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस है या कोई और है? हाँ गाइस ये एक्सप्रेस है। ट्रेन चली गई और बहुत फास्ट में आई, और ये रेलवे फाटक है, देन इसके जब ट्रेन आती है तो इसके बाहर ही खड़ा होना पड़ता है मोटर गाड़ियों को, और देन ये जब ट्रेन क्रॉस हो जाता है देन यहाँ से फिर वापस इस रास्ते से आ जा सकते हैं रेलवे ट्रैक पे। और अभी तो ट्रेन नहीं है कोई, मैंने पूछ लिया गेटमैन से। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें यार। टेक केयर।